वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद स्टडीज। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान आयुष काउंसिलिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर विजिट आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में आयुर्वेद कॉलेजेस के बारे में। राजस्थान में कुल जो है 12 आयुर्वेद कॉलेजेस हैं, जिनमें से 3 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और बचे 9 जो है प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आते हैं। इस बार की काउंसलिंग में 6 नए आयुर्वेद कॉलेज शामिल हो सकते हैं। ये सभी के सभी जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगी। ये कॉलेज अगर ऐड होते हैं तो कॉलेज की संख्या और सीट जो है बढ़ सकती है। अगर ऐड नहीं भी होते हैं तो जितनी संख्या और सीट्स पहले थे उतनी के उतनी ही रहेंगे। देयर वोंट बी एनी वेरिएशंस। साथ ही बता दें कि 3 गवर्नमेंट कॉलेज में से एक कॉलेज जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम NIA नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा जयपुर है। इसकी जितनी भी सीट है वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से के द्वारा भरी जाती है, यानी इसका जो है स्टेट आयुष काउंसलिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। बचे 2 कॉलेज जिनकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और 85% सीट स्टेट काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती हैं। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो यह ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होने के 1 महीने बाद स्टार्ट होती है, यानी जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके लगभग 1 महीने बाद में इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। राजस्थान आयुर्वेद की जितनी भी कॉलेजेस है उनकी प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ रही है, साथ ही साथ जो है कॉलेजेस का फीस कितना है, उस सब की जानकारी आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आकर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या प्रश्न है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।